प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी व्याकरण की पुस्तक मैं और मेरा व्याकरण का 10वां अध्याय, जिसका शीर्षक है क्रिया। क्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब। जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या करने का पता चले तो उसको क्रिया कहते हैं। जैसे कि आपकी पुस्तक में उदाहरण दी गई हैं, जोकर को देखकर बच्चे। यदि हम क्रिया नहीं लिखेंगे आगे तो यह वाक्य पूरा नहीं होगा। जैसे यदि हम लिखें जोकर को देखकर बच्चे हंस रहे हैं, यह जो हंस रहे हैं यह शब्द क्रिया है, क्योंकि इससे हमें किसी काम के होने का पता चल रहा है। इसी तरह यदि दूसरा हम वाक्य पढ़ते हैं हाथी धीरे धीरे, तो ये वाक्य अधूरा है। इस वाक्य को पूरा करने के लिए हमें इसके आगे क्रिया लगाने पड़ेगी। जैसे हाथी धीरे धीरे चलता है, चलना क्रिया है। आवाज़ सुनकर पक्षी उड़ गए, इस वाक्य की पूर्ति इन शब्दों के साथ होगी जो कि हैं क्रिया। मैं सभी जल्दी उठती हूँ। अगर हम लिखेंगे मैं सुबह जल्दी, आगे क्रिया नहीं लगाएंगे तो ये शब्द अधूरा होता है। तो याद रखिएगा, जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या करने का पता चले वह शब्द क्रिया होते हैं। क्रिया के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हंसना, चलना, सूंघना, देखना, लिखना, रोना, दौड़ना, जाना, सुनना, उड़ना इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सी क्रियाएं होती हैं। और याद रखिएगा, कोई भी वाक्य बिना क्रिया के अधूरा है। वाक्य का पूर्ण तभी होता है जब अधूरे वाक्य में क्रिया लगे। धन्यवाद।